बाल ठीक करा ले, इतने बड़े बड़े बाल हो गए। 39 degrees, कितना ज्यादा टेम्परेचर हो। उनको शक्ल से मुझे पता लग ही रहा होगा कि भाई को रोजा लग रहा है फुल टाइम। हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो है आप 3-4 काम है जो हमने लुक एट मी तो आज की वीडियो में जो है वो 3-4 काम है जो हमने करने हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो मेरी शक्ल आपको नज़र आ रही है, उजड़ा हुआ चमन और वहशी दरिंदों की तरह मेरी शक्ल जो लग रही है, इसको हम सेट करवाते हैं। और अब्बास भाई जो हैं उनसे हम कटिंग करवाते हैं। उनको मैंने अभी कॉल की थी तो वो मोस्ट प्रोबेबली आ गए होंगे शॉप पे। तो अभी बज रहे हैं 11, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे और जल्दी से जो है अपना हेयर कट करवाते हैं, क्योंकि आज जो है वो एक फ्रेंड आ रही हैं डिफरेंट सिटी से, उनको पिक करना है। तो अभी जल्दी से वहाँ जाते हैं क्योंकि 12 तक जो है उन्होंने आ जाना है। तो हम लोग निकलते हैं यार जल्दी से। यार गाड़ी की हालत भी बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, इसको हम बुलवाते हैं। देखिए पीछे किसी ने जो है प्लीज स्टॉप पे लिख दिया। ओए होए 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 यार, ये तो खुआरी है भाई। गाड़ी के साथ गलत कार करने वाला निजाम है ये तो। ओए होए 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 यार, किस गली मुड़ गया मैं। बास भाई ये क्या किया आपने यार, ऐसा लग रहा पहाड़ों में आ गए यार। ओए होए होए होए, ये आप स्टीयरिंग की हालत देखें, ये ऑटोमेटिकली ये खड्डे ये जी। तो यार चेंज ऑफ प्लान्स, अब्बास भाई का जो सीन था वो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो मेरी फ्रेंड जो है उनको मैंने पिक करना है टर्मिनल से और वो ऑलमोस्ट पहुंच गई हैं। तो मैंने कहा यार मैं लेट हो जाऊंगा अगर यहाँ पे बैठा रहा, तो मैं निकल आया हूँ अभी शॉप से। उसका सीन ये होगा कि यार बाद में जो है करवा लेंगे दोपहर को कटिंग, क्योंकि आज जो है हम फ्री ही हैं, सारा दिन वेले हैं। अभी चलते हैं टर्मिनल पे और अपनी फ्रेंड को जो है वो पिक करते हैं। जी तो यार फ्रेंड को हमने पिक कर लिया है, मेरे साथ बैठे हैं और सीन ये है कि अभी उनको डेस्टिनेशन पे छोड़ के हमने जाना है कैंट, और कैंट में जो है वो एक दो काम है वो करने हैं। आप लोग सोच रहे होंगे खापा खुपा करने जाएंगे, अभी नहीं, शाम को रोज़ा है भाई अभी। तो अभी का फिर ये सीन है कि अभी मैं जा रहा हूँ कैंट, और आपने कुछ कहना है। बाल ठीक करा ले, इतने बड़े बड़े बाल हो गए। यार पता है आपको मैं पिक करने के लिए आ रहा था, बल्कि मैं आपको पिक करने से पहले गया हूँ कटिंग करवाने, और सीन ये हुआ कि आपने मैसेज कर दिया कि मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। अब मैं फिर आप कटिंग करवाता या आपको पिक करता, बताओ। ये बालों का हुलिया जो है ना, ये इनकी वजह से है। तो यार अभी मिलते हैं आपसे, आप जो है ना इस तरह के पॉइंट मुझे कैमरे पर ना मारा करो। यार कमाल की गर्मी हो गई है, अभी सिर्फ 12 बजे हैं दिन में, 12:12 हो रहे हैं और आप टेम्परेचर देखें 39 degrees, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया यार। इतनी गर्मी पड़ती है ना मुल्तान में, अल्लाह माफ़ करे। तो यार जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कैंट जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक नया प्लाजा खुला है जहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, एडन रोप, जे डॉट, और इस साइड पे आई गेस आइडियाज़ भी है। तो यहाँ पे अंदर जाके जो है कुछ देखते हैं, ईद सीन के लिए शॉपिंग वॉपिंग का कोई सीन देखते हैं, और शायद अंदर व्लॉग ना करूँ। तो अभी के लिए इतना ही, यहाँ से निकलते हुए आपसे मिलते हैं फिर। ऑलराइट, सो वंस अगेन यार हेयर ड्रेसर जो हमारे अब्बास भाई हैं उनके पास जा रहा हूँ मैं, बिकॉज आज सुबह जो है वो एक अच्छा खासा पॉइंट बच गया हमें। और दूसरा ये कि यार आपको शक्ल से मुझे पता लग ही रहा होगा कि भाई को रोज़ा लग रहा है फुल टाइम। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हालत जो है ना वो फुल टाइम टाइट हुई हुई है। मैं जल्दी से गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर आपसे बाद में मिलते हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली वी हैड आवर हेयर कट, और अब का अभी का सीन ये है कि मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल थका हुआ हूँ, रोज़ा और प्यास जो है शदीद लग रही है, और घर जाके सोता हूँ, घर जाके शावर लेना है, शावर लेके सोता हूँ और उसके बाद फिर आपसे अफ्तारी के बाद मिलते हैं। मे भी कहीं बाहर चला जाऊँ मैं,
लेकिन वो भी अफ्तारी के काफ़ी बाद में होगा। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे शाम के टाइम। One eternity later. हाँ जी, तो यार बात ये है कि अफ्तारी जब मैंने कर ली है और मैं तो उठा ही अफ्तारी टाइम हूँ, ऐसा मदहोश मैं सोया था और घर वालों ने मुझे उठाया बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पे। उन्होंने कहा कि यार कौन सी भंग पी के सो रहा है। अब ये है कि भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। मैंने आपको कहा था कि मैं बाहर जाऊँगा लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अभी बैठ के ब्लॉग का एडिट भी करना है ब्लॉग को। तो इस व्लॉग को यहीं पर रैपअप करते हैं, ख़त्म करते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त। और उसके साथ ही एक और मैसेज के लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम मेरा नीचे चल रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।